हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता और ममता किचन रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक मज़ेदार रेसिपी लाई हूं, जो है रसमलाई की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी डिलीशियस है कि अगर आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि ये काफ़ी कम समय में आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रसमलाई की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो दोस्तों, बिना ज़्यादा आपका समय लिए मैं जल्दी से इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। गैस पर मैंने कढ़ाई ली है, इसमें हम डाल देंगे 1.5 लीटर दूध। दूध आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को फुल रखना है और दूध में उबाल आने तक हम इसे ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहेंगे, जिससे दूध नीचे तले में चिपके ना। ये देखिए, दूध में उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और दूध में जो मलाई आ रही है उसे हम स्क्रैच करके दूध में मिलाते जाएंगे। दूध की क्वांटिटी आधा होने तक हम इसे पका लेंगे और बीच बीच में हम इसे मिलाते भी रहेंगे। ये देखिए, दूध उबल उबल कर आधा हो गया है। आप देख सकते हैं दूध हल्का गाढ़ा हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप चीनी। ग्राम में 100 ग्राम चीनी है। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद साथ ही हम इसमें डाल देंगे केसर। केसर को मैंने दूध में भिगो लिया था। केसर से रबड़ी में बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टेबल स्पून इलायची पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप यहाँ अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पिस्ता, बादाम और काजू लिया है। आप देख सकते हैं रबड़ी एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब तक रबड़ी हल्की ठंडी होती है तब तक हम ब्रेड के स्लाइसेस काट लेते हैं। मैंने यहाँ एक ढक्कन लिया है ब्रेड स्लाइसेस काटने के लिए। आप इसकी जगह ग्लास या फिर कुकी कटर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ वाइट ब्रेड का यूज़ किया है। ध्यान रहे आप इसकी जगह ब्राउन ब्रेड का यूज़ ना करें। सभी ब्रेड स्लाइसेस को हम इसी तरह से काट कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ब्रेड स्लाइसेस को काट कर तैयार कर लिया है। अब हम एक एक ब्रेड स्लाइसेस को रबड़ी में डिप करके निकाल लेंगे। बड़े ही ध्यान से निकालना है, ब्रेड टूट ना जाए। इसे हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। सभी ब्रेड स्लाइसेस को हम इसी तरह से डिप करके निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं रबड़ी ठंडी होने के बाद कितनी गाढ़ी हो गई है। आप 1.5 लीटर की रबड़ी में 10 से 12 रसमलाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ब्रेड ने रबड़ी को एकदम अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है। ये लीजिए दोस्तों, ये रस भरी रसमलाई बनकर तैयार हो गई है। आपने देखा होगा कितनी आसानी से और कितने कम समय में ये बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर से भी थोड़ी रबड़ी डाल देंगे, जिससे ये और भी मज़ेदार लगे। अब हम इसकी हल्की सी ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देंगे, जिससे ये रेसिपी और भी टेम्प्टिंग लगेगी। ये रस भरी रसमलाई बनकर तैयार हो गई है। तो लीजिए दोस्तों, जल्दी से इसे खाकर बताइए ये कैसी बनी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये झटपट बनने वाली रसमलाई की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। आज अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।